हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूं अपने व्लॉग का डिड यू नो सेक्शन, जहां आई विल आंसर योर लॉट्स ऑफ हाउस एंड व्हाईज एंड यू विल गेट द लॉजिक्स बिहाइंड एवरीडे हैपनिंग्स इन योर लाइफ। तो गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे नेचुरली क्यूरियस हो तो फटाफट सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियो। सिट बैक एंड एंजॉय, बिकॉज आई बेट दिस इज जस्ट द राइट प्लेस फॉर यू। सो गाइस, बिफोर आई बिगिन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। सिंस दिस वीडियोस आर मेड आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्डवर्क एंड रिसर्च, तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक देम। विद दैट सेड, लेट्स बिगिन गाइस। जरा इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। कुछ वियर्ड नोटिस किया ना आपने भी? W R I T E राइट लिखा है, बट बोला तो हमने R I T E राइट है। K N O B नॉब लिखा है, बट बोले तो हम लोग N O B वाला नॉब। अब जरा ये ट्राई कीजिए, ये क्या हुआ? आइलैंड से S तो उड़ ही गया। अरे ये क्या हो रहा है? लेटर्स कहाँ जा रहे हैं? लिखते हैं पर बोलते नहीं। जब W R I T E राइट को W के बिना बोल सकते हैं, तो स्पेलिंग में W ऐड ही क्यों किया? कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गई। बाय द वे गाइस, ये कमाल है साइलेंट लेटर्स का। क्या आप भी मेरे जैसे इन साइलेंट लेटर्स से परेशान हो एंड सोचते हो कि किसने इन वर्ड्स को इन्वेंट किया, क्यों ये वर्ड्स ऐसे बनाए गए? तो आज मैं आपको इसका आंसर दूंगी। गाइस, अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइलेंट लेटर्स कभी साइलेंट थे ही नहीं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? बल्कि हमने इन्हें गलत बोल बोलकर दूसरी लैंग्वेजेस के साथ मिक्स कर करके साइलेंट बना दिया है। यू हर्ड मी राइट, देयर वॉज नेवर एट ऑल एनी कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा आप खुद ही सोचिए, जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, राइट फ्रॉम ए टू जी, सबकी खुद की साउंड होती है कि नहीं? कोई साइलेंट साउंड का लेटर सुना है आपने अल्फाबेट में? नहीं, राइट? तो फिर ऐसा क्या होता है कि जब हम इन्हीं सेम लेटर्स को वर्ड्स में यूज करते हैं तो ये साइलेंट बन जाते हैं अचानक से? कन्फ्यूज, राइट? अच्छा अब ये बताइए जरा कि क्या इनकी स्पेलिंग में ये लेटर्स साइलेंट होते हैं? नहीं ना, स्पेलिंग में साइलेंट नहीं होते हैं, खुद भी साइलेंट नहीं होते हैं, बट इन्हीं लेटर्स को जब हम वर्ड्स में यूज करते हैं तो ये साइलेंट हो जाते हैं। कम लेट्स सी व्हाट फैक्ट्स एंड लॉजिक्स हैव टू से ऑन दिस। तो गाइस, हम सबको पता है कि इंग्लिश इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, राइट? इन फैक्ट वी फर्स्ट स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इन अराउंड 600 AD। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लैंग्वेज इतने पुराने टाइम से आज तक बोली जा रही है, तो उसमें कितने सारे चेंजेस एंड मिसमैचेस हुए होंगे जब इसे हर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने अडॉप्ट किया होगा? अराउंड 600 AD में जब ये लैंग्वेज पहली बार स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे इसमें कोई भी लेटर साइलेंट नहीं हुआ करता था। पर धीरे धीरे जब ये लैंग्वेज ट्रैवल होना शुरू हुई अक्रॉस द ग्लोब, तब लोगों ने इसे सीखना स्टार्ट किया। अब सीखेंगे कैसे? ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग बुक्स या डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर से। तो हुआ ये कि लोगों ने स्पेलिंग तो सीख लिया,
बट प्रोनाउंसिएशन उन्होंने अपने लोकल या रीजनल एरिया के हिसाब से चेंज कर दिया। और यही रीजन है कि वर्ड्स लिखने में आज भी सेम है बट प्रोनाउंस करने में साइलेंट हो जाते हैं। एंड यही सेम प्रोनाउंसिएशन स्प्रेड होते गया ओवर जेनरेशंस एंड जेनरेशंस। एंड व्हाट वी गेट टुडे इज कि इंग्लिश इतनी वियर्ड लैंग्वेज है, इट हैज लॉट्स ऑफ रूल्स एंड साइलेंट लेटर्स इन इट। बट इतना ही नहीं, देयर इज समथिंग मोर टू इट। जब ईयर 1066 में इंग्लैंड वॉज कॉन्कर्ड बाय फ्रेंच फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन कुछ पीपल हु हैड इन्फ्लुएंस ओवर दिस लैंग्वेज एडेड एक्स्ट्रा लेटर्स टू इट सिंपली बिकॉज दे हैड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। एंड बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज एग्जैक्टली वाई वी हैव दैट एक्स्ट्रा बी इन डाउबीटी, डाउट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लैंड के बहुत सारे पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर्स नीदरलैंड्स एंड जर्मनी से आते थे, तो बिकॉज दे हैड कंट्रोल ओवर दिस लैंग्वेज तो उन्होंने भी इसको अपनी तरह से चेंज कर दिया। एंड फिर आया ईयर 1400, जब कुछ ऐसा हुआ जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट वॉवल शिफ्ट दैट हैपेंड, जिसने इंग्लिश स्पेलिंग्स को फिक्स कर दिया हमेशा के लिए, सो दैट जो भी मटेरियल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाए उसे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही ईजली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। एंड दिस इज हाउ वर्ड्स स्टॉप चेंजिंग मच सिंस देन, बट वी गॉट स्टक विद साइलेंट लेटर्स कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग ऑफ टू सी यू सून विद मोर इंटरेस्टिंग डिड यू नोज। बाय बाय।